गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग आज न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो आई एम फैसल महबूद एंड आई एम सीसेट मेंटर एट दिस चैनल। और यहाँ जो कोर्स चल रहा है ये आपका फ्री 6 डेज़ का कोर्स है, जिसमें हम सी सेट का मेजर पोर्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कवर कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर आपको कोर्स में आगे रजिस्टर करना होगा और आप उसके आगे की क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। तो सारे लोग सेट हों तो क्लास स्टार्ट किया जाए। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। सारे लोग तैयार हैं? ओके ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आने से पहले दो तीन चीज़ों को हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट डे हमने आपसे सीखा परसेंटेज क्या होता है। सेकेंड डे हमने देखा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्या था। तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट लास्ट क्लास जो था उससे रिलेटेड कोई भी तीन पॉइंट जो आपने सीखा है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जल्दी से लिखिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। क्योंकि ये कड़ी है, मतलब परसेंटेज हमने सीखा, उसके बाद सिंपल एंड सॉरी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट सीखा, आज हम सिंपल एंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है इसको समझने से पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज एक कार है जो किसी एक ट्री से फाइव मीटर की डिस्टेंस पे है, टी इज इक्वल टू जीरो पे। अब ये कार चलना स्टार्ट करती है, आफ्टर 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कार जो है यहां पर आ जाती है। और इसकी डिस्टेंस ट्री से जो हो जाती है वो हो जाती है हमारी 7 मीटर। उसके बाद फिर कार अपने कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो ट्री से 9 मीटर की डिस्टेंस पे हो जाती है। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि हर सेकेंड कार कितना चल रही है, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये 5 मीटर पे था और ये 7 मीटर पर आ गया, तो आप ये कहेंगे कि ये 2 मीटर चला फर्स्ट सेकंड में। दूसरे सेकंड में भी आप कितना कहेंगे, 9 मीटर माइनस 7 मीटर, तो आप ये कहेंगे 2 मीटर। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी मींस क्या है या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मींस आपकी जो डिस्टेंस है, जो इनिशियल डिस्टेंस थी हमारी, उसमें यहाँ 2 ऐड हुआ और फिर 2 ऐड हुआ, यानी हर सेकंड के बाद 2 ऐड होता चला जा रहा है। तो हमारी डिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती चली जा रही है। यानी हमारी पहले टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारी डिस्टेंस क्या थी, 5 मीटर। टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 7 मीटर। टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी डिस्टेंस आ गई 9 मीटर। तो अब आप ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, यहाँ प्लस 2 हो रहा है। तो अगर एक कांस्टेंट चीज़ ऐड होती चली जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो सपोज एक बायर है या दो पर्सन है, पर्सन ए या और पर्सन बी। पर्सन ए जो है पर्सन बी से कोई अमाउंट पी लेता है कि हमको 5 ईयर के लिए दे दीजिए। तो बी जो है ए से ले तो लेता है, लेकिन बी ये कहता है कि ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन हर साल ये पी का r% आपको हमको देना होगा। यानी फर्स्ट ईयर कितना देना होगा,
पी का आर परसेंट, अगले साल पी का आर परसेंट, जितने भी साल आप लेंगे, जितने साल, तो आपको पी तो वापस करना ही होगा, साथ में जितने साल बाद आप वापस करेंगे हर साल आपको आर परसेंट पी का हमको देना होगा। तो अगर ऐसी डील होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आप इसमें देखिए हो क्या रहा है कि प्रिंसिपल पे ये जो पी होता है, जो अमाउंट लिया गया है उस पे एक कांस्टेंट, यानी पी का आर परसेंट कितना होगा, पी आर बाई 100, ये लग रहा है हर साल कितना लग रहा है, पी आर बाई 100, अगले साल क्या लगेगा, पी आर बाई 100, उसके अगले साल लगेगा पी आर बाई 100। तो वो कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही हुआ ना, जैसे जो कार थी वो एक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस जा रही है हर साल, तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि हर ईयर एवरी ईयर पी आर बाई 100 अमाउंट उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है, जितने साल के लिए लेगा उतना देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक में समझ में आया। तो अब सिंपल इंटरेस्ट को हम डिटेल में देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होती है कि जब प्रिंसिपल पे एक कांस्टेंट रेट से इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट क्या होता है कि वो अमाउंट जो प्रिंसिपल के से एक्स्ट्रा हो, मतलब हमने आपको कोई अमाउंट दिया और हमने कहा कि ठीक है हम इतना अमाउंट तो आपको दे रहे हैं लेकिन इसका इतना एक्स्ट्रा परसेंट आपको हमको देना होगा। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको आपके लिए क्या करता है कि आपको लोन दे देता है और 10 ईयर के लिए आपको लोन दिया, लेकिन आपने मान लीजिए उससे लिया 100 रुपीज़ लोन लिया, 100 रुपीज़ लोन लिया, तो आपसे वो 100 रुपये वापस नहीं लेगा, वो 100 से ज़्यादा लेगा। तो अब ये दो तरीके से ले सकता है लोन, एक तो ये कर सकता है बैंक की जो आपका 100 रुपये है उस पर ये कहे कि पर ईयर जो है हम 10% लेंगे, तो 100 का 10% कितना होगा, 10, फिर अगले ईयर 10, अगले ईयर 10, अगले ईयर 10, और प्रिंसिपल जो है हमारा 100, अगर आपने 5 ईयर के लिए लिया सपोज, तो वो कितना 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा और 100 रुपये तो ले गई, यानी 100 प्लस 50 रुपये ले लेगा। तो अगर ऐसे लोन हमको दे रहा है बैंक इस कॉन्सेप्ट पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एपी में होता है, जब हम सिक्वेंसल सीरीज देखेंगे तो हम इसको वहाँ रिलेट कर सकेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग, क्लियर है ना, ओके। तो अब आप ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था कि 100 रुपये लिया उसने, 100 रुपये पे 1 ईयर बाद उसको 10 रुपये और देना हुआ, तो एक साल बाद अगर अमाउंट देना होता तो 110 होता, लेकिन उसने एक साल बाद नहीं दिया, तो अब इस पे 10% लग जाए, इसका 10% कितना होगा, 11, यानी ये हो जाएगा 121 लग जाए। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे अभी आएंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो पर्सन ए पर्सन बी को देता है या बैंक जो है अपने कस्टमर को देता है। टाइम क्या होता है, जितने टाइम के लिए लिया गया वो लोन। रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पर लिया गया, मींस जितना प्रिंसिपल है उससे कितना एक्स्ट्रा आपको हर ईयर देना है, ठीक है। अमाउंट वो चीज़ होती है कि सपोज हमने कहा कि 5 ईयर बाद आपको देना है, जैसे ये कॉन्सेप्ट था, तो 5 ईयर बाद अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 150 होगा, यानी पर्सन ए को पर्सन बी को कितना देना पड़ेगा, अगर 10% पर्सन ए था और ये पर्सन बी था, पर्सन ए ने पर्सन बी से 100 रुपये लोन लिया और इन लोगों के बीच में तय ये हुआ कि पर ईयर ये जो है 10% देगा इसका और 100 रुपये तो वापस करेगा ही, तो वो 5 ईयर के लिए अगर उसने लिया तो टाइम 5 ईयर हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 हो गया, प्रिंसिपल 100 हो गया, टाइम 5 ईयर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% पे लिया तो 10 हो गया, अमाउंट क्या होगा आफ्टर 5 ईयर, तो 100 रुपये तो वापस करेगा ये, 10% 10% 10% 10% 100 का 10% 5 बार वापस करेगा, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 5 टाइम, तो ये 50 रुपये यहाँ वापस करेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 50 रुपये, और हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था 100 रुपये, तो 150 रुपये ये इसको वापस करेगा। तो ये जो होता है ये टोटल अमाउंट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अमाउंट हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसको हमने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सारे लोग बताएं इसमें।
सारे लोग बताएं तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? यहां पर स्वैब, अकीबा, उस्मान, फरा, आफरीन, सारे लोग बताएं, क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, ये डिफिनेशन लिखी हुई है कि प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है पर एनम, और टी जो है नंबर ऑफ ईयर है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट है, ए जो है अमाउंट है, ठीक है? अब आप ये देखिए कि पर्सन ए ये है, या नीचे ले लेते हैं कि पर्सन ए ये है, पर्सन बी ये है, और उसने पी अमाउंट इससे प्रिंसिपल लिया। अब ये देखिए पर ईयर इसको कितना वापस करना पड़ेगा, पी आर बाई 100, पी का आर परसेंट कितना होगा, पी का किसी भी अमाउंट का, जैसे हम पूछें कि 20% ऑफ 83, तो हम क्या करेंगे 83 को 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इंटू 20 करेंगे। उसी तरह आर परसेंट ऑफ पी कितना हो जाएगा, आर परसेंट ऑफ पी कितना हो जाएगा हमारा, पी का 100 पार्ट करेंगे इंटू आर कर देंगे, तो पी आर बाई 100 होगा कि नहीं? तो आफ्टर वन ईयर इसको कितना देना पड़ेगा, पी आर बाई 100 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट ईयर जो है कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, पी आर बाई 100। उसके अगले ईयर कितना देना पड़ेगा, पी आर बाई 100। उसी तरह अगर ये एन ईयर के लिए ले रहा है तो ये क्या होगा, पी आर बाई 100 टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ईयर के लिए भी दे देगा, होगा ना ये? अब ये देखिए कि टोटल अमाउंट कितना होगा आफ्टर टी ईयर, अगर ये हमको निकालना हो तो अमाउंट कितना होगा, हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो तो रहेगा ही, साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये जो सब है इनको ऐड कर देना है, सिंपल इंटरेस्ट यही है ना कि हर ईयर जितना इंटरेस्ट लग रहा है, अगर 5 ईयर तक लगा तो उनको ऐड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है हमारा, कि जितने ईयर लगा वो होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आएगा क्या, वो अमाउंट जो हर ईयर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है? सिमन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप ये देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होगा क्या, हर ईयर कितना लग रहा है, पी आर बाई 100, तो पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100 प्लस पी आर बाई 100, ये कब तक जाएगा, अप टू टी ईयर, कैपिटल टी ईयर, यही होगा ना? बोलिए, अब सब में कितना कॉमन आ जाएगा हमारा, पी आर बाई 100 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए बचेगा कितना, 1 + 1 + 1 कितना, टी टाइम्स, यही बचेगा ना? बोलिए, यही बचेगा ना? तो अब ये देखिए 1 को अगर हम 5 टाइम ऐड करें, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो इसकी वैल्यू 5 आती है। तो 1 को अगर टी टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टी आएगा ना? तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा पी आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी, यही निकल के आएगा ना? बोलिए, यही निकल के आएगा ना? तो अब ये देखिए अगर हम पूरा साफ कर दें इसको, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया हमारा, पी आर बाई 100, पी आर बाई 100, पी आर बाई 100 कितने टाइम्स, टी टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा आफ्टर टी ईयर, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से पी अगर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + RT / 100, यही होगा कि नहीं? बोलिए, यानी अगर हम आपसे पूछें कि आफ्टर 5 ईयर क्या अमाउंट होगा, तो ए इज इक्वल टू पी 1 + RT की जगह 5 रख देंगे, ठीक है? सिमन, आफरीन, स्वैब, अकीबा, सारे लोग बताएं, समझ में आ रहा है ना? फरा, तालिबा, कामरान, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग बताएं, समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ दाऊद, ओके, यहाँ तक समझ में आया ना? यानी सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, ए इज इक्वल टू
पी वन प्लस आर टी डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगा, और सिंपल सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सिंपल बात थी। ये आ कहाँ से रहा है ये हमने बताया आपको, ओके। अब ये कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ पी इज इक्वल टू 1000 रुपीज, आर इज इक्वल टू 20% पर एनम, 20% पर एनम, टी इज इक्वल टू 4 ईयर, ये दे रहा है। तो आप ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, पी का की वैल्यू कितना दे रहा है 1000 रुपये, आर की वैल्यू कितना दे रहा है 20% पर एनम, ठीक है, और हमारा जो रेट है वो टी इज इक्वल टू कितना है, सॉरी कितने ईयर लग रहा है 4 ईयर, तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो इसका निकाल के बताइए कितना आया, पी की वैल्यू 1000 लिखा, आर की वैल्यू हमने 20 लिखा, टी की वैल्यू 4 लिखा, डिवाइडेड बाई 100। तो ये 1000 से अगर हम 20 यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा हमारा, ये 10 बचेगा और ये 80 हो गया, तो 800 हो गया। बहुत से लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है, सही सी आंसर होगा कीबा, सही है सही, ओके ठीक है। अब ये थोड़ा से सेटिंग में चेंज हुआ है, तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल हम सही कर दे रहे हैं, पी इज इक्वल टू कितना दे रहा है इतना, यानी प्रिंसिपल कितना दे रहा है आपको 2460, और आपको ये जो रेट दे रहा है वो कितना दे रहा है आर इज इक्वल टू 2/3% पर एनम, ठीक है, और टी इज इक्वल टू कितना दे रहा है आपका 3 ईयर, टी इज इक्वल टू 3 होल 1/2 ईयर दे रहा है। तो अमाउंट कितना होगा बताइए जल्दी से, अमाउंट कितना होगा, सी आंसर किसका आ रहा है, सी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको यहाँ अमाउंट निकालने को कह रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है पी वन प्लस आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो ए इज इक्वल टू हमारा पी इज इक्वल टू कितना है हमारा 2460, वन प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2/3 है, 2/3% है ना, आर की वैल्यू कितनी है 6 होल 2/3 है, एक्चुअली 6 होल 2/3 है, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं हुआ, 6 होल 2/3 है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कहीं पर अगर लिखा हुआ है ए बी बाई सी, तो सी और बी को, सी और ए को मल्टीप्लाई करना और उसको बी ऐड कर देना, ये इसका मतलब होता है ए सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ पर ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे यानी 20/3, जो हमारा रेट होगा पर एनम वो क्या होगा 20/3। तो यहाँ पर रेट की वैल्यू हम कितना लिख दें 20/3, ईयर कितना हो रहा है हमारा 3 होल 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2 3 6 + 1 7/2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7/2 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना, बोलिए यही होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करिए कितना आया आंसर, सही आ रहा है, बहुत से लोगों का सही आ रहा है, बी नहीं, बी हाँ बी आ रहा है, बी 3034। हाँ तो जिसका नहीं आया वो ये देख ले कि हमने अमाउंट कितना निकाल लिया है 2460, ब्रैकेट में कितना आया 1 प्लस, अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 7 कितना हुआ 140 डिवाइडेड बाई 6 × 100, यही होगा ना। इसको सॉल्व करके बच्चे बता रहे हैं कि 3034 होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, और यही होगा आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, हाँ सारे लोगों का सही है, फरा सही आ रहा है आपका, आफरीन, अशफाक सही है, सारे लोगों को सही है, ठीक है, ज़मीर बहुत से लोगों को देख नहीं पा रहे हैं, तो सबका सही है जो जिसने भी, ठीक है, मीज़ान सारे लोग सही है, ठीक है। अब देखिए अभी जो आपने फार्मूला ड्राइव किया है बेसिकली वो आपने किस बेसिस पे किया है, कि आपने ये कहा कि हमारा कोई एक प्रिंसिपल था उस पर आर परसेंट कि रेट से पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, पर एनम लग रहा है। अब ये देखिए
पर एनम लग रहा है, आपको रेट बताया, मीन्स आपसे सपोज ये कहा कि आपने 100 रुपये लिया, तो अब जो है इस पे 10% पर ईयर आपका इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप ये देखिए कि एक ईयर में कितना लगेगा, मतलब अगर यहां से एक ईयर चला, जब एक ईयर हो जाएगा तो 10% लगेगा, यही तो कह रहा है। तो अगर आपसे आर परसेंट पर एनम दिया हो, ये गिवन हो, गिवन क्या हो, आर परसेंट पर एनम लग रहा है, अब उसके बाद आपसे कहे कि इसको हाफ ईयरली लगा दीजिए, तो आप ये खुद सोचिए कि जैसे हमने सबसे पहले कार का एग्जांपल लिया था कि एक सेकंड में 2 मीटर जाता है, तो अब अगर जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, ये जो कार थी वो एक सेकंड में कितना जा रही थी, 2 मीटर जा रही थी, अब हम पूछते कि हाफ सेकंड में कितना जाएगी, तो आप कहते 1 मीटर जाएगी, यानी जितना हमारा रेट था कि 2 मीटर पर सेकंड चल रही थी, हाफ सेकंड में, एक सेकंड में कितना चल रहा था 2 मीटर, तो हाफ सेकंड में कितना चलेगी, 1 मीटर चलेगी। तो वैसे ही यहाँ पर ये देखिए, अगर हमारा जो रेट है वो अगर आर परसेंट पर एनम है, तो आप ये देखिए कि उसमें अगर हाफ ईयरली लगने लगे तो क्या होगा कि इसको हाफ ईयरली लगेगा, तो हाफ ईयरली क्या होता है, 1 ईयर में कितना होता है, 2 पार्ट हो जाते हैं, तो अगर ये हाफ ईयरली लगा तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, R by 2% हो जाएगा हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, R by 2, यानी हाफ चलेगा ना वो, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि सपोज यहाँ से यहाँ तक कार को चलना था, अब ये जो डिस्टेंस है वो तो 1 मीटर हो गई, और ये टाइम भी तो 0.5 सेकेंड हो गया, 0.5 सेकेंड हो गया, यानी अगर टाइम इंटरवल की बात किया जाए तो पहले 1 सेकेंड था, एक टाइम इंटरवल था, अब कितने टाइम इंटरवल हो जाएंगे, 2 टाइम इंटरवल हो जाएंगे, यानी ये जो 1 मीटर 1 मीटर कितने बार चलेगी, 2 मीटर चलेगी, 2 टाइम चलेगी 0.5 मीटर में, 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड में 1 मीटर 1 मीटर चलेगा, यही चलेगा ना, तो 0.5 सेकेंड 2 टाइम्स आएगा ना, 1 सेकेंड की जगह अगर हम 0.5 सेकेंड और 0.5 सेकेंड ले रहे हैं, तो 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड 2 टाइम्स आ रहा है, तो हाफ ईयरली अगर हम लगाते हैं तो रेट तो हमारा हाफ हो जाता है, लेकिन टाइम जो होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है ना, अभी तो एक वन ईयर में लग रहा था, अब सिक्स मंथ के 2 स्लॉट आ जाएंगे ना, तो हमारा टाइम क्या कितना हो जाता है, 2T हो जाता है। उसी तरह अगर हमारा रेट जो है क्वार्टरली लगता है, तो रेट तो हमारा आर जो होता है R by 4 हो जाता है, R by 4% होता है, अगर ये गिवन हो कि आर परसेंट पर एनम है तब होगा ये, क्वार्टरली तो R by 4 हो जाता है, लेकिन टाइम जो है हमारा 40 हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसी तरह अगर आपको ये लगता मंथली लगता तब क्या होता, देखिए मंथली को, मंथली क्या, क्या क्या मतलब है कि 1 ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट में, तो आर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, R by 12% पर मंथ लगेगा, और टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 12T हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। लेक्चर पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है ठीक है। क्या हुआ कीबा, नो सर लिख रही हो तुम, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण टेक्स 3000 फ्रॉम बी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाई ए टू बी, ये अरुण जो है वो ए है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यानी हमारा रेट तो पहले क्या दिया हुआ था कि 10% है, और टी कितना दिया हुआ था हमारा, 2 ईयर दिया हुआ था, लेकिन अब हमको कैलकुलेट क्या करना, उसने कहा नहीं ईयरली आपको पर एनम नहीं कैलकुलेट करना है, आपको 10 R by 2 करना है, हाफ ईयरली करना है, तो आप क्या करेंगे, हाफ ईयरली में R by 2, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, R by 2, यानी 10% डिवाइड बाई 2, यानी 5% हाफ ईयरली, यही हो जाएगा ना।
अच्छा टाइम देखिए कितना हो जाएगा हमारा, पहले 2 ईयर में 1 ईयर, 1 ईयर 2 टाइम्स था, लेकिन अब हमारे हाफ ईयरली के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 2 साल में 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ के 4 स्लॉट बन जाएंगे ना, तो 2 × 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, PRT डिवाइड बाई 100 यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि व्हाट अमाउंट, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल फार्मूला आपको यही रखना है, आर अगर आप यहाँ से आर चेंज कर लेंगे, वरना फार्मूला में अगर आप चेंज करके याद करेंगे तो बहुत कन्फ्यूज होंगे आप। ये यहाँ पर रेट क्या हो जा रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए और इसी फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना था हमारा 3000 था, 1 + R कितना है हमारा, रेट कितना है 5%, नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा यहाँ पर, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इंटरवल 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, सी कितने लोगों का आ रहा है बताइए जल्दी से। तो ये हमारा आ जाएगा 3000 × ये कितना हो जाएगा हमारा 20 / 5 4 का कितना हो जाएगा 20 / 100 यानी 1/5 हो जाएगा। तो 1 + 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 की वैल्यू ये 6/5 हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख दें 6/5। अब 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना कितने बार जाएगा, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 600 हो जाएगा, 600 × 6 कितना हो जाएगा, 600 × 6 हो जाएगा 3600। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, सारे लोगों का आ रहा है ना ऑप्शन सी, सारे लोगों का आ रहा है ना ऑप्शन सी। तो ये बेसिक चीजें थी, अगर इसी तरह अगर हाफ एयरली की जगह क्वार्टरली होता, आर की जगह R/4 लिख देते और टी की जगह 4 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 × 4 हो जाता। अगर वो ईयर वो होता मंथली होता तो आर की जगह हम R/12 लिख देते और टाइम की जगह 12T लिख देते, लिख देते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। तो अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक था, ये आपको पता है, लेकिन अब हम कुछ केसेस की बात करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम में आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी तक का जितना भी सेशन हुआ वो तो एकदम बेसिक था, वो आपको पता भी रहा होगा उसमें कई चीज़ें, लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे इसको आपको करना चाहिए ताकि आपका जो है डेवलप हो जाए, यहाँ पर आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, इसको मेमोराइज़ करना है, पहले समझना है उसके बाद मेमोराइज़ करना है और एग्ज़ाम में उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हेन सम बिकम एन टाइम ऑफ इटसेल्फ इन टी ईयर्स एट अ रेट ऑफ R% पर एनम देन RT इज इक्वल टू इतना, ये होता है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि अगर हमारा सम कितना, हमारा जो प्रिंसिपल था सपोज P था, अब सम जो है आफ्टर एन ईयर कितना हो जा रहा है, NP हो जा रहा है ना, ये हो जा रहा है, ठीक है। तो आफ्टर एन ईयर NP हो जा रहा है ना, यही कह रहा है ना, द सम इज सम बिकम एन टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन टी ईयर में हो जा रहा है। अच्छा टी ईयर में कैसे हुआ होगा, उसमें अमाउंट क्या निकालेंगे, ये तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया है वो लिख लिया। अब अमाउंट के फार्मूला क्या होता है हमारा, P + 1 + RT / 100। अब ये कह रहा है कि P की वैल्यू तो P ही आप ले लीजिए, 1 + R की वैल्यू कितना है यहाँ पर, R% पर एनम है तो R ले लें, नंबर ऑफ ईयर कितना दे रहा है टी ईयर दे रहा है तो हम टी ले लें, डिवाइडेड बाई 100 यही होगा, मतलब यही हमको लिख देना है। अब ये कह रहा है अमाउंट कितना हो जा रहा है, NP हो जा रहा है, NP इज इक्वल टू P 1 + RT डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा PP कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा N इज इक्वल टू 1 + RT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा RT डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू N - 1। तो यहाँ से RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N - 1 × 100। यानी यहाँ से एक रिलेशन ये निकला कि हमारा रेट और नंबर ऑफ ईयर जो है वो किसके इक्वल होगा, जितने भी टाइम हो रहा होगा अमाउंट N क्या है ना, कितने टाइम हो गया ना, ये क्या कह रहा है कि N टाइम हो गया, 4 टाइम हुआ, 5th टाइम हुआ, -1 × 100 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, N-1 × 100
डिवाइडेड बाई टी। अच्छा टाइम पीरियड निकालना हो, रेट दिया हो, तो यहाँ लिख सकते हैं एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिया या इसको याद कर लिया, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100, सबसे आसान यही लगता है मुझे, तो क्या होगा कि आपको आसानी से चीज़ें मेमोराइज होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना था। ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी बिकम फोर टाइम इन 20 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इतना ही दिया है। अभी आप ये देखिए, इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर मालूम है कि आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100 होता है, ये मालूम है आपको। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है और टी कितना दिया हुआ है 20 ईयर, तो आप लिखेंगे आर इंटू 20 इज इक्वल टू कितने टाइम हो जा रहा है, फोर टाइम हो जा रहा है, तो एन है ना ये, तो ये हो जाएगा फोर माइनस वन इंटू 100। तो हमारा रेट कितना आ गया है यहाँ से, आर इज इक्वल टू कितना आ गया है 300 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया हमारा 15%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना। ठीक है, जो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो पीछे से अपनी लाइव को पीछे कर लें, जैसे असहाना जो लिखे के नाम से आ रहे हैं आप, तो आप पीछे हो जाइए, तो पीछे से ही आप कैरी करिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, 15% सारे लोगों का आ रहा है। ठीक है, बी तौसीफ़ वेरी गुड, फराह का भी सही आ रहा है, आफरीन का भी सही आ रहा है, शेख का भी सही आ रहा है, शोएब का भी सही आ रहा है, और तस्कीन का भी सही आ रहा है, अकीबा का भी सही आ रहा है, सारे लोगों का सही आ रहा है, यासीन का भी सही आ रहा है, सारे लोगों का सही आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमको ये बताएगा कि अमाउंट इतने टाइम हो जा रहा है इतने ईयर में, तो आपको सिंपल फार्मूला कौन सा याद होना चाहिए, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100 होना चाहिए ना। ठीक है, ओके। अब एक टाइप का ये हो सकता है कि आपसे ये कहे कि वेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट आर परसेंट पर एनम, ठीक है, इज एक्स बाई, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर इन पर एनम इज एक्स बाई वाई, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, पर एनम के बाद आप ये लिखिए, पर एनम के बाद यहाँ पर एक लाइन छुटी हुई है, पर एनम के बाद लिखिए। ये कह रहा है वेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर एनम इन टी ईयर, ये इन टी ईयर ये लिखा हुआ है, इन टी ईयर इज, यहाँ पर एक्स बाई वाई को यहाँ पर लिख दिए, एक्स बाई वाई ऑफ द सम, देन इफ आर इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू 100, ये होता है। मतलब ये कह क्या रहा है कि अगर हमारा रेट जो है वो आर परसेंट पर एनम है, और अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्स बाई वाई ऑफ अमाउंट हो जाता है, प्रिंसिपल के हो जाता है, तो ये कह रहा है कि अगर आर और नंबर ऑफ ईयर बराबर हो, जैसे 10% पर एनम की रेट से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा हो, तो टी इज इक्वल टू 10 ईयर में क्या होगा, यानी जितना हमारा रेट होगा, सपोज अगर 15% पर एनम होता तो हमारा जो है 15 ईयर में, यानी टी इज इक्वल टू आर होगा, तब ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये कैसे होगा, ये क्या कह रहा है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, एक्स बाई वाई टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यही हो रहा है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, फार्मूला से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, यही होता है ना। अब ये कह रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो आप ये लिख सकते हैं एक्स बाई वाई इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। अगर पी पी कैंसिल हो गया तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई वाई, और अगर 100 को लेफ्ट साइड भेज दें, इंटू 100 इज इक्वल टू आर टी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू आर टी। लेकिन अब एक केस ये हो सकता है कि आर इज इक्वल टू टी हो, इन केस उस केस में क्या हो जाएगा कि आर इज इक्वल टू टी हो, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा या आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बाई वाई इंटू 100, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स बाई वाई
इंटू 100, यही होगा ना। और क्योंकि आर और टी बराबर है तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। बोलिए सारे लोग, बोलिए यही होगा ना। अच्छा आर इज इक्वल टू टी की केस में तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई इंटू 100, लेकिन अगर एक्स बाई वो आर इज इक्वल टू टी में रेशियो दे दे, आर इज इक्वल टू 2t दे दे, आर इज इक्वल टू 3t दे दे, तो यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमको रिलेशन कौन सा याद करना है, ये वाला याद करना है, एक्स बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू RT, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कीजिए आप इसको। अगर आपने ये क्वेश्चन जो है आप आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दे रहा, अगर आपने ये फार्मूला ड्राइव नहीं किया होता कि R इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू अगर है तो अंडर रूट एक्स बाई वाई इंटू 100, एक्स बाई वाई क्या है, कितना है? सिंपल इंटरेस्ट का कितना टाइम हो जा रहा है ये, तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करते। ये क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी एक्स बाई वाई की वैल्यू कितना दे रहा है यहाँ पर 4/9, एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट पर एनम, द रेट पर एनम इज कितना होगा, तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, T इज इक्वल टू अंडर रूट 4/9, एक्स बाई वाई की वैल्यू 4/9 इंटू 100, यही होगा। तो अगर आप देखिए 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100, यही होगा ना। 100 का कितना आ जाएगा 10, यही हो जाएगा ना, इतने परसेंट होगा। तो अब आप ये बताइए कि कितना आ जाएगा, 20/3 यानी 6 होल 2/3, तो ये 6 होल 2/3 है, ये 7 होल 1/5 है ये। तो आप ये बताइए 6 होल 2/3 ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि नहीं। अकीबा वेरी गुड, सही है तुम्हारा। जहीर समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना सारे लोगों को। हम्म, 6.67%, ये भी लिख सकते हैं आपने, तुम्हारा भी सही है, या 6 होल 2/3 जैसा भी लिखा होगा ऑप्शन में वैसा आप उसको कर लीजिएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, सेक समझ में आ रहा है ना। अब ये कह रहा है when two equal sum are deposit for T1 year and T2 year, यानी P और P दो equal amount है, इसको T1 year के लिए दिया जाता है, इसको T2 year के लिए दे दिया जाता है, at the rate of interest R1, इसको R1 rate पर दिया जाता है, इसको R2 rate पर दिया जाता है per annum respectively, their different of the simple interest is D, अगर इनका जो simple interest आएगा, यहाँ पर simple interest कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा PR1 T1/100, यही होगा, और इसका क्या होगा PR2 T2/100, यही होगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना आता है, D आता है। तो अब ये कह रहा है सम कितना होगा, तो यहाँ से आप ये लिखिए D इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, दोनों को माइनस कर देंगे आप, तो अभी आप क्या लिखेंगे PR1 T1 - (100) - PR2 T2/100, तो यहाँ से क्या क्या कामन आ जाएगा, देखिए 100 तो LCM आ जाएगा और P ऊपर कामन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा R1 T1 - R2 T2, यही होगा ना। बोलिए, तो यहाँ से D इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा हमारा, सम, जिसको सम बोल रहे हैं हम, प्रिंसिपल क्या होगा, P को आप यहाँ रोक लीजिए, 100 को D के साथ ला लीजिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 × D × 100, ठीक है, D × 100 / R1 T1 / R2 T2 डिवाइड हो जाएगा, यानी R1 T1 - R2 T2, ये होगा ना, यही होगा ना। बोलिए आर, अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या ये क्या लिखा है हमने, प्रिंसिपल इज इक्वल टू D × 100 / R1
टी वन माइनस आर टू टी टू, यही होगा ना? बोलिए डी कहाँ है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो ये क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन टू इक्वल इक्वल सम आर डिपॉजिट फॉर 3 एंड 2 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6% एंड 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली एंड देयर डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज, कितना कितना रुपए का डिफरेंट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट में, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट दे रहा है वो कितना दे रहा है 425, देन फाइंड द सम टू डिपॉजिट। तो P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 100D डिवाइडेड बाई आर वन टी वन माइनस आर टू टी टू, ये लिख सकते हैं ना? वरना आप ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो लंबा होगा, लेकिन हम ये केसेस बना के क्यों देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको अभी से पढ़ लें। तो 100 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी 425 डिवाइडेड बाई आर वन कितना है हमारा 6% और टी वन कितना है हमारा 3 ईयर माइनस आर टू कितना है हमारा 8% टी टू कितना है हमारा 2 ईयर, यही होगा ना? बोलिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100 इंटू 425 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा ना, ये माइनस 16, यही होगा ना? बोलिए यही होगा ना? बोलिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा P, बहुत से लोगों को सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी सॉल्व होना चाहिए। देखिए इसको ये 2 होगा, 2 को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो ये 50 हो जाएगा इंटू 425, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आएगा ना, ऑप्शन ऑप्शन बी सबका आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21250, फाइव सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक समझ में आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। अब ये देखिए कि ये केस कह रहा है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट पी वन फॉर टी वन ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर वन इज एल वन, यानी ये कह रहा है कि अगर कोई अमाउंट पी वन है और उस पे आर वन रेट से टी वन ईयर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है एल वन। सेम आगे कह रहा है अनदर सम P2 पर हम क्या करते हैं, अगर R2 रेट से T2 ईयर तक सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाता है हमारा L2। ये आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, तो अब आपसे ये कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, यहां का इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा L1 कितना होगा P1 R1 T1 डिवाइड बाय 100 और हमारा L2 कितना होगा P2 R2 T2 डिवाइडेड बाय 100। अब ये देखिए, अगर अभी आप ये मान लीजिए कि L2 इज ग्रेटर देन L1 है, L2 इज ग्रेटर देन L1 है, तब डिफरेंट क्या होगा L2 माइनस L1। अगर L1 माइनस L1 इज ग्रेटर देन L2 होता, यहाँ पर क्या है ये क्या है L2 इज ग्रेटर देन L1 आ रहा है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो L2 अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप P2 L2 माइनस L1 कर देंगे। अगर आपका L1 इज ग्रेटर देन L2 होगा तो आप ये लिख देंगे P1 R1 T1 माइनस P2 R2 T2 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट पूछ रहा है एक्चुअली, तो एक्चुअली ये क्या होता है मॉड में होता है, मॉड का कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए उसमें हम जा नहीं रहे हैं कि अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, हमारा डिफरेंट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। दोनों सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंट कितना है, जैसे पहले का सिंपल इंटरेस्ट 4 है दूसरे का 5 है, तो किसी लड़के ने निकाला 4 माइनस 5 तो ये आ गया -1, किसी ने निकाला 5 माइनस 4 तो उसका आ गया 1। तो हमको इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमको सिर्फ क्या वैल्यू निकालना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करें तो ये 4 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितनी है एक यूनिट की, उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर जो चीज़ जो अमाउंट बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे हम, अगर यहाँ 5 बड़ा तो 5 पहले लिखेंगे -4 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक में क्लियर हो गया ना? ओके, तो अब ये क्वेश्चन करिए आप, ये क्वेश्चन ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द टू बैंक ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर इज 2.5, वाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर रेट, उनके रेट में क्या डिफरेंट होगा ये पूछ रहा है, ठीक है।
ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी 2010 में। तो कैसे निकालेंगे, ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू बैंक इज 500। तो ये क्या दे रहा है, L1 माइनस L2 दे रहा है ना, निकालिए कितना आया आंसर। यानी अगर पहला पहले का सिंपल इंटरेस्ट L1 है, दूसरे का L2 है, तो L1 माइनस L2 कितना दे रहा है, 500। अब ये कह रहा है टू डिफरेंट बैंक सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू बैंक इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर रेट। अच्छा टी कितना दे रहा है, तो T1 और T2 दोनों के लिए 2 ईयर हो गया है ना यहाँ पर, ठीक है। और सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का जो है डिफरेंट 2.5 है, 2.5 है, सॉरी 2.50 है, ये 2.50 था सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट। ये क्या था हमारा, अमाउंट था पी था, तो P1 और P2 दोनों कितना है हमारा, 500 है। तो हमारा फार्मूला क्या निकाला था अभी हमने, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने बताइए, P2 R2 T2 माइनस P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100, ये निकाला था ना। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, रेट का डिफरेंट। तो ये देखिए L1 माइनस L2 कितना है, 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 इज इक्वल टू P1 और P2 की वैल्यू कितनी है, सेम है, और T1 और T2 की वैल्यू सेम है, तो हम लिख देते हैं P की वैल्यू कितनी है हमारी, 500 का मान आ गया। अच्छा देखिए अगर ये P हो जाए और ये T हो जाए और ये भी P हो जाए और ये भी T हो जाए, तो PT का मान आ जाएगा ना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू PT का मान हम अगर ले लें तो क्या बचेगा हमारा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 100, ये बचेगा ना। तो P की वैल्यू कितनी है, 500, T की वैल्यू कितनी है, 2 ईयर, इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करिए कितना आया, कितना आया, 0.25 आया ना। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको 100 के ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 के ऊपर भेजा तो ये 250 हुआ डिवाइड, यानी 250 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25%। ए ऑप्शन सही है ना, सारे लोग बताइए ए ऑप्शन सही है ना, बताइए ओके। यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ सकता है, एक मिनट देते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है। क्योंकि आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, तो उससे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, सब समझ में आया ना, सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट के कितने फार्मूले हमने निकाला, एक तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हमने निकाला, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 होता है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट हम पूछें तो A इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 1 प्लस P ब्रैकेट में 1 प्लस RT डिवाइडेड बाय 100, ये होता है दो फार्मूले। तीसरा हमने क्या निकाला, केसेस से निकाला, हमने केसेस निकाला कि अगर अमाउंट एन टाइम हो जा रहा है तो वहाँ पर क्या हमारा हमारा वैल्यू निकल रही थी, RT इज इक्वल टू N-1 × 100, ये निकल रहा था। उसके बाद हमने निकाला कि अगर अमाउंट जो है हमारा X/Y हो जा रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा X/Y हो जा रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या निकाला, T इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू अगर दोनों इक्वल हैं तो वो क्या हो जा रहा था, √X/Y × 100। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हमने निकाला था, RT इज इक्वल टू X/Y × 100, ये निकाला था, ठीक है, ये निकाला था ना। फिर उसके बाद हमने निकाला कि सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट कितना होगा, तो आप लोगों ने निकाल लिया D इज इक्वल टू क्या होगा, P1 R1 T1, जो भी दो फार्मूले आपने निकाला, अगर प्रिंसिपल सेम होगा तब क्या होगा, प्रिंसिपल अलग हो तो क्या होगा, रेट और प्रिंसिपल और ईयर अलग होंगे तब क्या होगा, दोनों केसेस निकाल लिया आपने, ठीक है, क्लियर है ना। वो अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट ये था कि सपोज 100 रुपये आपने बैरो किया, आपने कितना किया, 100 रुपये बैरो किया। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट क्या थी, आपने 100 रुपये बैरो किया।
अब इसमें 10% की रेट से आपने बैरो किया, तो 1 ईयर बाद आपको कितना, अगर 1 साल बाद अमाउंट लौटाना है तो कितना लौटाना पड़ेगा आपको, 110, क्योंकि 100 का 10% कितना होगा, 10। उसके बाद अगर 2 ईयर बाद आपको लौटाना होता तो 120 लौटाना होता, क्योंकि ये आपका 10% कितना है, 10, वही 10 ही ऐड होगा ना इसमें। फिर उसके बाद 3 ईयर बाद 130 एंड सो ऑन, यही था, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मीन्स अगर 100 रुपये था यहाँ पर तो इसका 10% लगा फर्स्ट ईयर, तो हमको 1 ईयर बाद 110 वापस करना था। अब हमको 10% ये ओरिजिनल प्रिंसिपल पर नहीं लगेगा जो सिंपल इंटरेस्ट में लग रहा था, कि ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लगेगा और कांस्टेंट चीज़ ऐड होती जाएगी। इसमें क्या कहेगा कि जो हमारा अमाउंट आया उसमें लगेगा, 1 साल बाद 110 देना था, मतलब ये कहने का मतलब है। सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि अभी हमने अमाउंट आपको दिया, कहा कि 5 ईयर बाद आप देखिए और हमने वापस कीजिए हमको, और आप जो है 10% हमको दीजिए, तो हमने 10% जो है पर ईयर लगा दिया, एक स्लॉट लगा दिया कि 10% आपको देना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या कह रहे हैं कि आपको अमाउंट दिया, हमने कहा 1 साल बाद आप अमाउंट वापस कीजिए 10% देके, अगर नहीं दे रहा है तो जो अमाउंट बनेगा वापस करना था उस पर 10% लगेगा। अगले साल 2 साल बाद आप जितना अमाउंट हुआ उसको वापस कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर 10% लगेगा, यानी जो अमाउंट आया उस पर लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो अमाउंट आता है उस पर लगता है। तो ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 था, ये 110 हो गया। अब 10% किस पे लगेगा, अच्छा 10% किस पे लगेगा हमारा, इस 110 पर लगेगा, तो 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा, तो 11 110 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 121। अब थर्ड ईयर जो 10% लगेगा वो 121 पर लगेगा, 121 का 10% कितना होगा, 12.1, तो 12.1 अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 133.1। तो आप ये देखिए कि आफ्टर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं था, आफ्टर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 का डिफरेंट आ गया, आफ्टर 3 ईयर 3.1 का डिफरेंट आ गया। कब, जब हमारा प्रिंसिपल पी था, प्रिंसिपल जो है 100 था और हमारा जो रेट था वो 10 था, 10% था, ठीक है। तो अब आप ये देखिए ऐसा हो क्यों रहा है कि 100 था, अब ये 110 कैसे आया, 100 प्लस 10 आया ना ये। अब ये देखिए इस पे भी 10% लगा, तो प्रिंसिपल पर 10% लगा, तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 प्लस इसका 10%, 100 का 10% कितना हुआ, 10 प्लस जो इंटरेस्ट आया था उस पे 10% लगा, 10 का 10% कितना होगा, 1। तो इसलिए ये 11 ऐड हो रहा था, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को ये बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, समझ आए अकीबा, समझ आया शेख, सारे लोग बताएं, समझ आया ना, स्वैप, समझ में आ गया ना ये। अब ये देखिए अब इसका फार्मूला क्या होगा, सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी से पी अमाउंट बैरो किया, आफ्टर 1 ईयर इसको कितना देना होगा, पी वन क्या होगा, आर परसेंट रेट पे, आर परसेंट पर एनम पे, और नंबर ऑफ ईयर कितना है, टी ईयर है, ठीक है। तो इसको कितना देना होगा, पी वन कितना होगा हमारा, पी प्लस पी आर बाई 100, यही होगा ना, बोलिए, यही होगा ना। अब ये देखिए सेकेंड ईयर अगर इसको वापस करना होगा तो वो किस पे इंटरेस्ट देगा, आर परसेंट, पी वन पे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी वन प्लस पी वन आर डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, तो यहां से पी वन कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100। तो पी वन की वैल्यू कितनी आई थी यहां पर, ये आई थी, इसको हम कॉमन अगर पी ले लें तो ये 1 प्लस आर बाई 100 आई थी। तो यहां पी वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पी वन प्लस आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, यानी आफ्टर 2 ईयर क्या देना पड़ रहा है, 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अच्छा, आफ्टर 3 ईयर क्या देना होता, ये पी टू पर लगता, पी टू प्लस आर परसेंट ऑफ पी टू, पी टू आर डिवाइडेड बाई 100, यही होता। तो यानी यहाँ पी टू कॉमन ले लेते ये आ जाता 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। पी टू की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी, ये पी टू है ना,
ये पी टू की वैल्यू हमने निकाला है ना, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारा पी पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड। तो एक्चुअली अमाउंट कितना आ जा रहा है हमारा पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल क्यूब, यानी जितने ईयर हो रहे हैं उसकी पावर में आ जा रहा है वो। आफ्टर वन ईयर पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड ये आया, आफ्टर टू ईयर पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर, आफ्टर थ्री ईयर पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर थ्री। तो आफ्टर एन ईयर कितना होगा पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन, यानी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। ये अमाउंट निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट या कितना इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा हम बताते हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड का की पावर एन आफ्टर एन ईयर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया ना? क्लियर हुआ सारे लोगों को? बोलिए। अगर ये क्लियर हो गया तो आप ये देखिए, ये अमाउंट है। अमाउंट होता क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल हो प्लस उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो या सिंपल इंटरेस्ट लग रहा हो। तो अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब यहाँ देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या आ जाएगा, अमाउंट कितना आया हमारा पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन माइनस प्रिंसिपल कितना था पी, तो यहाँ पी, तो यहाँ पर कॉमन हम क्या ले सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी कॉमन अगर ले लें तो ये बचेगा हमारा वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन माइनस वन, यही बचेगा ना? बोलिए, यही बचेगा ना? यही बचेगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो गया हमारा, दो फार्मूला हमारे निकल के आए, अब उस पर ही हम डिस्कस करते हैं। दो, एक तो हमारा प्रिंस अमाउंट कितना हो गया वो निकल के आया, अमाउंट निकल के आया हमारा पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन। दूसरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया, वो क्या निकल के आया पी कॉमन ले लिया था हमने, तो ये बचा था वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर एन माइनस वन, यही दो बचा ना? ये दो फार्मूला अगर आपको याद हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां पर आर क्या है रेट पर एनम, आर क्या है रेट पर एनम, एन क्या है कितने नंबर ऑफ ईयर के लिए लिया जा रहा है नंबर ऑफ ईयर, पी क्या है प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अगर आपसे हम ये पूछें कि आप सिंपल आपको हम एक पर्सन है ए और पर्सन बी है, इसने कुछ अमाउंट इससे लिया फाइव ईयर के लिए और बी ने कहा कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, ए से कहा कि तुम चाहे सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके दे दो या कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ए को क्या चाहिए कि किस में दे वो, ताकि वो कम अमाउंट उसको वापस करना पड़े, किस में देगा वो, सिंपल इंटरेस्ट में देगा क्योंकि वो अमाउंट फिक्स लगेगा और वो ऐड होता चला जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है अमाउंट, आप देख रहे हैं ना वन प्लस आर बाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम जीपी में देखेंगे, जीपी में क्या होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में टू से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, थ्री से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, वन बाई टू से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, यानी कोई एक सीरीज बनती है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसी तरह इसी इसमें भी क्या है कि आफ्टर एवरी ईयर वन प्लस आर बाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो हमारा जो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट है ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट किस में होता है इन जीपी इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस में होता था इन कंपाउंड सॉरी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा बेसिकली। अच्छा अब ये बताओ कि ये पर्सन ए है ये पर्सन बी है, इसने कुछ अमाउंट लिया फॉर वन ईयर। अब ये कह रहा है कि बी कह रहा है कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए,
लेकिन ए अड़ा हुआ है क्योंकि ए ने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, वो कह रहा है कि हमारा कि हम सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे, लेकिन ये दो हम सिंपल इंटरेस्ट पे देंगे, बी कह रहा है नहीं हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही देंगे। तो ये बताओ कि पर्सन सी आके ये बोलता है कि ऐसा है, ए से बोलता है कि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लो, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो हम दे देंगे। तो ये बताओ सी को कितना पैसा देना पड़ेगा? सी को कितना पैसा देना पड़ेगा, बोलिए। क्वेश्चन समझ में आया? एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन बी से पर्सन ए ने पी अमाउंट लोन लिया 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब पर्सन बी कह रहा है कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम देंगे, पर्सन ए कह रहा है हमको सिंपल इंटरेस्ट पे चाहिए। तो अब दोनों आपस में बहस कर रहे थे, जब भी एक पर्सन सी आया, उसने कहा ठीक है तुम लोग आपस में लड़ो नहीं, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दो ले लो, पर्सन ए से कहा तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लो, जो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा वो हम तुमको दे देंगे। तो पर्सन सी को कितना देना पड़ेगा, बोलो जल्दी बताओ कितना देना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। आंसर करो, बहुत आसान है कि देखो आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, P1+R, T की जगह 1 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 100, 1 ईयर है ना, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या हो जाएगा हमारा, P1+R की R/100 की पावर 1। तो दोनों देखो सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट सेम आ जाएगा, यानी उसको डिफरेंट कितना रहेगा, 0। यानी पर्सन सी को पर्सन मतलब कितना देना पड़ेगा, 0 रुपए देना पड़ेगा, यानी उनकी बहस वेस्ट थी, ठीक है, ओके समझ में आया ना, ये क्लियर हुआ ना। जैसे हम ये कर रहे थे ना कि 100 100 रुपए था, अब अगर सिंपल इंटरेस्ट 10% पर दिया था तो ये 110 हो जा रहा था, फिर उसके बाद ये 120 हो जा रहा था, एंड सो ऑन। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने क्या किया था, 10 10% पे दिया था, तो यहाँ पर 110 हो रहा था, यहाँ पर 121 हो रहा था, तो यहाँ पर तो डिफरेंट कितना है, 0 का ही है ना, यानी आफ्टर 1 ईयर कितना 0 का होता है, ठीक है। तो कभी ऐसी बहस होते रहे तो तुम 1 ईयर का मामला रहे तो तुम ये बोल देना कि हम दे देंगे पैसा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा, रेट हमारा क्या था, पर एनम था। अब अगर रेट जो है हमारा हाफ ईयरली लगने लगे तो हमारा जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और टी कितना हो जाएगा हमारा, 2n हो जाएगा, ठीक है, जितना ईयर लग रहा था उसके 2 टाइम्स हो जाएगा जैसे उसमें था। उसी तरह अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली लगने लगे तो आर जो है हमारा R/4 हो जाएगा, और हमारा टी कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यानी जो हमारा फार्मूला होगा वो हमारा सिंपल फार्मूला क्या होगा, अमाउंट का P1+R/100 की पावर n। तो इसमें अगर हाफ ईयरली लग रहा है, मान लो हाफ ईयरली लग रहा है, तो आर की जगह क्या लिखोगे, R/2, और एन की जगह क्या लिख दोगे, 2n। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा हमारा, A=P1+R/2/100 की पावर 2n, यही हो जाएगा। अगर क्वार्टरली लगता होता तो क्या, क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा अमाउंट, A=P1+R/4/100 की पावर 4n। उसी तरह अगर मंथली लगता होता तब क्या होता, A=P1+R/12/100 की पावर 12n, यही होता कि नहीं, बोलो सारे लोग बोलो। यही होगा ना, सारे लोग बोलिए। ठीक है, यहां तक में क्लियर है ना सबको? अब देखिए हम इसकी बात करें, अगर
कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट, अगर हम ये कहें कि अभी इससे पहले क्या हो रहा था, हमने सिंपल सिंपल इंटरेस्ट सीखा, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, अभी क्या हो रहा था, रेट हर ईयर सेम लग रहा था। अब किसी पर्सन ए ने कहा कि पी अमाउंट ले लो, लेकिन आफ्टर वन ईयर दोगे तो तुमको R1% पे देना होगा, आफ्टर टू ईयर दोगे तो ये अमाउंट जो होगा यहाँ पर आएगा उस पर कितना लगेगा, R2% लगेगा, अगर उसके बाद दिया तो तुमने ये जो अमाउंट आएगा उस पर R3% से तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल उसने कितना लिया पी, आफ्टर वन ईयर T=1 year, T=2 year, T=3 year, हर ईयर कितना रेट है R1, R2, R3 ये दे रहा है। तो आप ये देखिए वन ईयर बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट P P1+R1/100 यही होगा ना, P+PR1/100 होता, P कॉमन ले लिया। अब अगले साल इस पे लगेगा, ये जो P1 आया है हमारा इस पे लगेगा, यानी P1+R2P1/100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा P1 1+R2/100 यही आएगा ना। तो P1 की वैल्यू कितनी है हमारी, P1+R1/100 1+R2/100 यही होगा ना, बोलिए यही होगा ना, ठीक है। अब अगर ये P2 आ गया तो थर्ड ईयर क्या लगेगा हमारा, P2+P2/R3% / 100, तो यहां से क्या आ जाएगा, P2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1+R3/100। तो अगर हम P2 की वैल्यू रख देंगे तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, P2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आई है P1+R1/100 1+R2/100 1+R3/100 यही होगा ना। तो ये होगा हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, A=P1+R1/100 1+R2/100 एंड सो ऑन, यही होगा ना, समझ में आया ना ये। यानी हर साल जो है, पहले साल R1 लगा, दूसरे साल R2 लगा, तीसरा साल R3 लगा अमाउंट पे, तो ये कंपाउंडेड हो गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो गया, तो ये होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए ये क्वेश्चन करिए। ये कह रहा है हाउ मच इन्वेस्ट फॉर टू ईयर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच सम इन्वेस्ट फॉर टू ईयर एट 12% कंपाउंडेड एनुअली विल ग्रो टू 4390.40, क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। ये बहुत सिंपल है, टू ईयर के लिए लग रहा है 12% पे, तो सिंपल आप फार्मूला लगा देंगे ना, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P1+R/100 की पावर n, तो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अमाउंट इतना हो जाए तो कितना हम इन्वेस्ट करें, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू कितना दे रहा है यहाँ पर, 4390.40 इज इक्वल टू P1+R का कितना है 12 डिवाइडेड बाई 100, अब यहाँ पर क्या है n की वैल्यू कितना है, टू ईयर टू, तो ये हो जाएगा हमारा 4390.40 इज इक्वल टू P। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1+12/100 है ये, तो LCM होगा, तो ये 100+12 हो जाएगा, यानी 112 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बोलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू 4390.40 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100 इंटू 100, ये होगा ना। सारे लोग इधर ध्यान दें, यही होगा ना, अकीबा यही होगा, शोएब, जमीर, सरफराज, सारे लोग बताएं, यही होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3500 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है।
ओके मुसीर, यू आर साहिनीनियन, अभी भी आप साहिनीनियन हैं, एक्स नहीं होते हैं आप, ठीक है, अभी भी आप साहिनियन तो हैं, साहिन में अभी आप रनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप साहिनीनियन तो हैं ही है ना, साहिनीनियन। ओके ये क्वेश्चन करिए, व्हाट सम ऑफ मनी एट द कंपाउंडेड कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट एट रे रुपीज 4499.04 इन 3 ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% फॉर सेकेंड ईयर, 5% फॉर थर्ड ईयर। तो हमारा जो अभी हमने फार्मूला निकाला था अमाउंट का, वो क्या निकाला था, P1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100। 3 ईयर का तो इतना ही है, अगर 4 ईयर का होता तो 1+R4/100। तो क्या हो जाएगा बताइए, अमाउंट कितना आ जाएगा बताइए, बताइए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, कितना आया यहां पर, अमाउंट दे रहा है ना, अमाउंट कितना दे रहा है, 4499.04 इज इक्वल टू पी 1+R1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ईयर कितना लग रहा है, 3% 3/100, और ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में ओके ओके, ये 100 जो है ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये किसी ने नोट किया, ये 100 जो है ऊपर जाएगा, तो ये नीचे नहीं होगा, इंटू 100 ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ पर 100 को हमने नीचे डिवाइड कर दी तो ऊपर होगा, ठीक है। 1+R1/100, 1+R2/4/100, 1 मिनट, फोर बाई हंड्रेड, 1+5/100, यही होगा ना, तो हमारा पी, ये 4499.04 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P 103/100 इंटू 104/100 इंटू 105/100, ये होगा। तो 100 100 100 100 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 103 104 105 से इसको डिवाइड करेंगे, तो पी की वैल्यू जो आएगी वही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आप अगर सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 4000 आ जाएगी, ठीक है, 4000 आएगी, ठीक है। सीमन सही आ रहा है आपका, मुदस्सिर आपका भी सही आ रहा है, आफरीन आपका भी सही आ रहा है, सारे लोगों को सही आ रहा है। स्वैप टेक्निकल क्या हुआ पूछिए, कंसंट्रेट कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, वरना जो है ये जो पोर्शन है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो एक एक फार्मूला से अगर आपने बस उतना ही निकाला और उसके बाद आपने आगे नहीं पढ़ा तो फिर एग्ज़ाम में क्या है, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये जितनी चीज़ें हम ये कर रहे हैं इसको आपको करना पड़ेगा, अगर इसको आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब ये कह रहा है व्हेन द टाइम ऑफ टाइम पीरियड इस टी इज गिवेन इन द फ्रैक्शन, यानी टी इज इक्वल टू एन टाइम्स ए बाई ए, मतलब हम ये कहें कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना लगा, 2 होल 2/3 ईयर, या लगा टी इज इक्वल टू 4 ईयर 1/4, यानी 4 साल लगा उसके बाद 1/4 ईयर भी लगा, यहाँ पर 2 साल लगा उसके साथ 2/3 ईयर भी लगा, तब हमारा फार्मूला क्या होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कर क्या रहे थे, अमाउंट जो हो रहा था हर साल क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, 1+R/100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, अगर 2 साल है तो 1+R/100,
अगर एन एन ई आ रहा है तो इसको एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे, एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तभी क्या हो रहा था हमारा, एन टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तभी ये आ जा रहा था ए इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर एन, यही आ जा रहा था। लेकिन अगर ये हो हमारा फ्रैक्शन में हो तो हम दो पार्ट में वो करेंगे, मीन्स हमारा जैसे मान लो 1 ईयर बाद कितना हुआ, 1 1 + r/100, दूसरे ईयर बाद 1 + r/100 से मल्टीप्लाई। अगर ये तीसरा ईयर ना हो कि हाफ ईयर उससे पहले अगर हमको करना हो फ्रैक्शन में हो ए बाई एन, तो अब ये देखो कि उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। 1 + r/100 तो एक साल में लगता, 1 by 1 + a हर साल कितना लग रहा है, 1 + r/100 लग रहा है। अब क्योंकि अगर ईयर ए बाई बी ईयर हुआ है, मतलब 1/4 ईयर हुआ है, तो आर कितना लगा होगा, आर बाई फोर लगा होगा ना, यानी आर में हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 1 + a/b टाइम्स ऑफ r/100, यही कर देंगे। अब क्योंकि ये जीपी में होता है, यानी इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, पी, अगर एन नंबर ऑफ ईयर इंटीजर है तो ये हो जाएगा 1 + p 1 + r/100 की पावर एन इंटू 1 + a/b r/100, ये होगा। ठीक है, समझ में आया ना ये, यानी हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, पी 1 + r/100 की पावर एन, ये जो हमारा कितना नंबर ऑफ, यानी टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन ए बाई ए बाई बी, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ इंटीजर ईयर, मतलब जो पूरा होल ईयर है उसकी बात, इसको अलग कर लेंगे, इंटू जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम लिख देंगे ए बाई बी आर बाई हंड्रेड, ये कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा, और यहाँ क्लियर है ना सारे लोग, बताइए क्लियर है ना। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ। अब ये पूरा पूरा ना 3 मंथ लग रहा है, ना 3 ईयर लग रहा है, ना 2 ईयर लग रहा है, 4 ईयर 2 मंथ, यानी ये क्या कह रहा है, जो हमारा जो ईयर था वो ये इस फॉर्म में आ रहा है ना, एन ए बाई बी। अब ये देखिए 4 मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ इज इक्वल टू कितना होता है, 12 मंथ इज इक्वल टू होता है हमारा 1 ईयर, तो अब हमारा 1 मंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 1 by 12 ईयर, तो हमारा 4 मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 by 12 ईयर, यानी कितना हो जाएगा, 1 by 3 ईयर हो जाएगा ना, 1 by 3 ईयर। तो अब हम इसको, हमारा फार्मूला क्या था, टी अमाउंट इज इक्वल टू क्या था, पी 1 + r/100 की पावर एन 1 + a/b r/100, ये था। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, अमाउंट ही निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है, 2000, 1 + रेट हमारा कितना है 15%, 15 by 100। अब यहाँ पर होल ईयर कितना है 2, ये स्क्वायर कर देंगे, 1 + a/b की वैल्यू कितनी है 1/4, आर की वैल्यू कितना है 15 / 100, यही होगा ना, बोलिए। यही होगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, आप कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर, आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है। जल्दी बताइए कितना आ रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए ये 2000, अब 100 अगर एलसीएम ले लेगा तो ये हो जाएगा 115 115 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर इनटू, अब ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 415, ये नीचे 400 आएगा ऊपर प्लस 15, यानी 415 डिवाइडेड बाई 400, इसका आंसर कितना आया। अच्छा देखिए, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करिए तो 23 टाइम जाएगा और ये 20 टाइम जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2000 × 23² / 20² और इसको भी अगर 5 से डिवाइड कर लीजिए कुछ आ जाएगा 415 डिवाइडेड बाई 400। इसको सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए कितना आया आंसर,
फरा, वेरी गुड, फरा का सही आ रहा है, ऑप्शन ए ही आएगा। इसका इसको सॉल्व करेंगे तो 777.25 आएगा, ठीक है। ओके ठीक है, सर लोगों को समझ में आया ना, बोलिए। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? ओके अब ये कह रहा है इफ द सर्टेन सम एट द कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम एक्स टाइम इन एन वन ईयर एंड वाई टाइम इन एन टू ईयर, देन एक्स की पावर 1/n1 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/n2। ये होता है, मीन्स ये कह रहा है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट जो है द एट इफ अ सर्टेन सम एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम एक्स टाइम इन वन ईयर, यानी अगर प्रिंसिपल पी था तो एन ईयर में, एन वन ईयर में कितना हो गया, एक्स पी हो गया। साथ में क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एन टू ईयर में कितना हो गया, वाई टाइम हो गया। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो अब यहाँ पर से ये रिलेशन बता रहा है, इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारा हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1/r/100 की पावर n होता है। अब पहले वाले केस की बात करें कि पहले वाले केस में a कितना हो जा रहा है, x टाइम p हो जा रहा है, तो एक्स पी इज इक्वल टू पी 1/r/100 की पावर n1, यही होगा ना। तो यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हैं, पी पी कैंसिल हो गया, तो 1/n1 को अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो यहाँ से आप क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 1/2, यानी ये पावर इसकी पावर के उसमें रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर इसकी पावर n1 है, तो अगर पावर इधर लाएँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/r/100, यही होगा ना, बोलिए यही होगा। उसी तरह आप ये देखिए कि हमारा जो है n2 ईयर के लिए क्या होगा, a इज इक्वल टू पी 1/r/100 की पावर n है, तो अमाउंट हमारा जो है y टाइम हो जा रहा है, तो yp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p 1/r/100 की पावर n2। अब ये देखिए n2 इधर आ जाएगा, तो पी पी पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पी वाई की पावर 1/n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r/100। अब देखिए अब 1/r/100 यहाँ भी है, 1/r/100 यहाँ पर भी है, यानी वाई की एक्स की पावर 1/n1 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/n2 होगा, ये रिलेशन निकल आएगा ना, बोलिए। साथ में अगर आपको एक चीज़ पता चल गया, ये एक चीज़ के बराबर और होता है, 1/r/100 के बराबर भी होता है, यानी हर ईयर कितना अमाउंट बढ़ रहा है उसके बराबर भी होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट करिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए कौन सबसे पहले कर रहा है, देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट एट ए टाइम इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कितने ईयर में, तो एक्स की पावर 1/n1 इज इक्वल टू वाई की पावर 1/n2 वाला फार्मूला आपको याद आना चाहिए। क्या कह रहा है कि 4 ईयर में, यानी n1 कितना हो गया हमारा, 4 ईयर में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी हमारा एक्स कितना है 2। अब ये कह रहा है कि 8 टाइम कितने टाइम में होगा, तो वाई कितना है हमारा 8, और n2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की पावर 1/n1 यानी 2 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/n2। अब अच्छा, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू की पूरे की होल पावर 1/n2, यही होगा। अब ये देखिए, अगर पावर कहीं लिखा हो a की पावर b की पावर c, तो आप क्या करते हैं, a की पावर b c, ये ऐसे ही कहीं लिखा हो a की पावर
बी की पावर 1/c, तो आप क्या लिखेंगे, ए की पावर बी बाई सी। तो वैसे ही यहाँ पर आप ये लिखेंगे 2 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/n2। अब दोनों को आप कंपेयर करिए तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 3/n2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू 12 ईयर, यानी 12 ईयर बाद उसका अमाउंट कितने कितना हो जाएगा हमारा, 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, यही होगा ना, बोलिए सेम होगा ना, बोलिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है, एक दो चीजें और देखेंगे उसके बाद समअप करेंगे हम। तो आप ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन इज डी ऑन द सम पी एट द रेट आर पर एनम, देन फर्स्ट ईयर में कितना, यानी 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, इसके बारे में इसने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमने पी लिया, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि फार्मूला हमको अब याद हो चुका है। तो अब हम अगर प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट पे हमने लिया, तो अमाउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ अमाउंट आएगा सिंपल इंटरेस्ट पर और कंपाउंड इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कंपाउंड आ रहा है। तो हमने पी लिया, तो आफ्टर 1 ईयर कितना देना होगा सिंपल इंटरेस्ट में, पी 1+r/100, यही होगा ना, बोलिए p1+r/100। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, p1+r/100, यही होगा ना, बोलिए। उसके अगले ईयर क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में, p1+rt, यानी 2r/100, यही होगा ना, बोलिए। और यहां पर क्या हो जाएगा, p1+r/100 का होल स्क्वायर। थर्ड ईयर में यहां अमाउंट क्या हो जाएगा, p1+3r/100, और यहां क्या हो जाएगा, p1+r/100 का होल क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा ना, बोलिए। ठीक है, यही होगा ना, करना भी चाहिए हमसे, फास्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमने एक बार बता दिया है इसको, तो अब जब हम इसको कर रहे हैं तो हम समझाने में स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो आपको तो डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए कि आफ्टर 1 ईयर डिफरेंट की बात हम करें, अब जैसे हम आपसे पूछें कि 37% ऑफ 93, तो अब हम इसको समझाने लगे, लेकिन आपका तो आंसर आना चाहिए ना। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट में कितना डिफरेंट होगा, फर्स्ट ईयर बाद 0 का डिफरेंट होगा, सेकेंड ईयर बाद क्या होगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सीपी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI की बात करें, तो सेकेंड माइनस 1 0, इसमें क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये माइनस ये होगा, उसके अगले ईयर ये माइनस ये होगा। तो अब हम सिर्फ अभी सेकेंड ईयर की बात करते हैं, t=1 ईयर के बाद 0 का डिफरेंट होगा, t=2 ईयर के बाद क्या होगा वो हम निकालते हैं, क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p1+r/100 का होल स्क्वायर माइनस p1+2r/100, यही होगा ना, बोलिए। अब देखो, इसको जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कॉमन आ जाएगा, दोनों में पी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, 1+r/100। अब इसको a+b का होल स्क्वायर अगर खोल दें तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, कितना हो जाएगा हमारा, r/100, यही होगा ना, बोलिए, -1+2r/100, यही होगा कि नहीं, बोलिए सारे लोग। ठीक है, अगर ये होगा तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसको खोल लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट कितना आ जाएगा, d=, वो आ गया p, ब्रैकेट में कितना बचा हमारा, 1+r²/100 प्लस 2r/100,
माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू आर बाई हंड्रेड, प्लस टू आर बाई हंड्रेड, माइनस टू आर बाई हंड्रेड कैंसिल आउट हो गया, आर वन वन कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना बचा हमारा, d इज इक्वल टू हमारा हुआ p p, d इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, d इज इक्वल टू p और कितना बचा हमारा, आर स्क्वायर बाई हंड्रेड। ठीक है, तो यानी आफ्टर टू ईयर डिफरेंट कितना होगा हमारा, आफ्टर टू ईयर डिफरेंट होगा हमारा डी इज इक्वल टू पी आर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई हंड्रेड है, तो इसको आर बाई टेन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यही डिफरेंट होगा ना, बोलिए यही होगा ना। आफ्टर थ्री ईयर क्या होगा, ये दिस माइनस दिस करेंगे आप, तो यहां समझ में आया ना, ये बोलिए। ठीक है, आफ्टर थ्री ईयर डिफरेंट जो होगा वो कैसे निकलेगा, थ्री ईयर बाद डिफरेंट कितना हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, d इज इक्वल टू कितना लिख दें, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, p 1 प्लस r बाई हंड्रेड का होल क्यूब माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, p 1 प्लस 3r डिवाइडेड बाई हंड्रेड। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो अमाउंट यही आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो p d इज इक्वल टू p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस आर बाई हंड्रेड का होल क्यूब माइनस 1 प्लस 3r बाई हंड्रेड, यही होगा ना, बोलिए। अब ये देखिए, ये a प्लस बी का होल क्यूब खुलेगा ना, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है ना, बोलिए यही होता है ना। यही होता है, सारे लोग बोलिए यही होता है ना। तो यहाँ इसको हम जब खोलेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा, ये अमाउंट डी डिफरेंट कितना हो जाएगा, पी आर बाई हंड्रेड का आर बाई टेन का होल स्क्वायर, आर बाई टेन का होल स्क्वायर या आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वो है आर बाई टेन का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड। ठीक है, अच्छा परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंट होगा, हम आर बाई हंड्रेड लिख सकते हैं उस पर। ठीक है, यानी अगर हमारा परसेंटेज वाइज लिखना होगा तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिफरेंट तो इतना ही आया, लेकिन अगर हमको ये पूछा कि परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंट है तो ये हमारा डी कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, बस ये नहीं होगा, ये वन प्लस नहीं होगा, ये आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमारा डी इज इक्वल टू पी आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर जो है हमारा टू ईयर में होगा, और हमारे थ्री ईयर में डिफरेंट कितना आ जाएगा, पी आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड। समझ में आया ना, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे हमने ये लिया था ना कि 100 है उसमें 10% लगता चला जा रहा है, तो वहाँ पर तो आपने निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 75 है, ठीक है, अब उस पर 13% लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट में और ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में लग रहा है, तो क्या डिफरेंट होगा, आफ्टर वन ईयर ये डिफरेंट होगा, आफ्टर टू ईयर ये डिफरेंट होगा, आफ्टर थ्री ईयर ये डिफरेंट होगा, आफ्टर वन ईयर कितना जीरो होगा ना, आफ्टर वन ईयर कितना डिफरेंट होगा, डी कितना हो जाएगा, जीरो होगा, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये सब आपने सॉल्व कर लेने से क्या होगा कि आपको बहुत फायदा होगा, ये कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रेट 484 टाइम्स जीरो फॉर टू ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंट फॉर टू ईयर के लिए निकाल रहा है, टू ईयर के लिए क्या फार्मूला आपने निकाला था, बोलिए जल्दी, डिफरेंट कितना होगा, डी इज इक्वल टू पी
आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यही होगा ना, बोलिए। अब यहां पर पी की वैल्यू कितना दे रहा है, डी इजिकल टू पी की वैल्यू कितना दे रहा है, 4, 8, 4 बार 0, आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 2% डिवाइड आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 48 × 4 कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, 192 ना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 192। तो इसमें आंसर 192 नहीं दिया हुआ है, तो इसको 192 कर लीजिए आप, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आर बाई 100 का स्क्वायर होता है, वो पीछे में कंफ्यूज नहीं होना, दो चीज़ों की बात हम कर रहे थे एक्चुअली, पी डी इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर होगा, यही होता है, डिफरेंट क्या होता है, पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में किसी को प्रॉब्लम कोई परेशानी तो पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चेंज कर दिया उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आज आपने सीखा उसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब एक चीज़ और हम बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर एनम फॉर 2 ईयर इज एक्स, अगर ये दे रहा है कि 2 ईयर की बात करता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी अमाउंट पी पे अगर आर परसेंट के रेट से हम लगाते हैं, आर परसेंट के रेट से लगाते हैं, तो सपोज़ वो एक्स से आती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है हमारी वो प्रिंसिपल पी ही होता है, उस पर आर परसेंट की रेट से 2 ईयर टेन्योर जो है वो टी इज इक्वल टू 2 ईयर फिक्स है, वो आती है वाई। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो ये बताता है, वाई इज इक्वल टू एक्स 1 + r/100, यही होता है ना। आप खुद सोचिए आफ्टर 1 ईयर हमारा अमाउंट कितना हो जाता है, देखिए हम ये लिखते हैं, जैसे ये पी था, ये पी था, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा हमारा, आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाता है, 1 + r/100 दोनों का सेम रहता है। आफ्टर 2 ईयर में रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 + r/100, ठीक है, समझ में आया। यानी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फॉर 2 ईयर के लिए ही है, अगर 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो कि एक्स है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो एक्स है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो वाई है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 + r/100 होता है, ठीक है। ये ड्राइव किया जा सकता है, आप समझ रहे हैं, अगर 2 ईयर में कंपेयर करके इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, वरना हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि अगर हम ये आपसे हम ये कहें कि जो है सिंपल इंटरेस्ट, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज टी इज इक्वल टू 2 ईयर दिया, और हमारा रेट जो दे रहा है वो कह रहा है 5% पर एनम है, और आपसे ये कह रहा है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 है, ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आपने क्या बताया है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको जब तक हम लिख रहे हैं इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए, 1 + r/100, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 200, 1 + r कितना है 5/100, अब तो आंसर आ ही जाना चाहिए ना, ये हो जाएगा 200 × 105
डिवाइडेड बाई 100, यानी क्या जाएगा, 210 आ गया ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 210 ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 200, यही आएगा ना, बोलिए। टोल कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, हाँ 200, हाँ ठीक ठीक ठीक, मिस्टेक हुआ लिखने में, आफरीन, ठीक है, आफरीन नदफ अलग हैं, आफरीन सूफिया अलग हैं, तो आफरीन सूफिया का सही है, आफरीन नदफ 210 होगा, ठीक है ठीक है। और लोगों का भी आंसर, जहीर तुम्हारा भी सही आ रहा है, शोएब, शेख, सारे लोगों का सही आ रहा है आंसर, फरा सही आ रहा है, ठीक है, तैयबा सही आ रहा है, अरीफ सही आ रहा है, तौसीफ सही आ रहा है, ठीक है। तो ये अब आप जल्दी से हमको बता दीजिए कि आज के क्लास में आप, आपको जो मतलब दो चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक डिफरेंट क्या है, ये पहला पॉइंट आप सारे लोग लिखिए, हमको बताइए, हम पढ़ेंगे कमेंट, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंट आपको समझ में आया। दूसरा ये कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, ये तो आपको पता है, उसके साथ जो इनके केसेस हैं उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, अगर उनको हम रिवाइज करेंगे और उसको फार्मूला याद कर रहेंगे तो एग्ज़ाम में आसानी से हो पाएगा ना, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, वरना ये जितना एक्सपेरिमेंट आज आपने किया है, जितनी भी मेहनत आपने किया है, वो एग्ज़ाम में आपको करना होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये मोर देन इनफ है, अगर आपने इतना कर लिया कॉन्सेप्ट वाइज तो आप सारे एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होता है सबको आप दे सकते हैं। कुछ बच्चे वो पूछ रहे थे बुक, तो आप अपनी जो भी राइटर की बुक आप प्रिफर करें, जिसमें देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट हम आपको बता ही रहे हैं, ऐसी बुक आप लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो, तो आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन से, तो आप जो है कोई भी बुक, किसी भी अच्छे राइटर की बुक आप ले सकते हैं, सारे राइटर अच्छे होते हैं, सारी बुक अच्छी होती हैं, कोई भी एक बुक को आप लगा डालिए फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, तो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये नहीं है कि आपने इस बुक को लगा लिया और दूसरी बुक को नहीं लगाया, तो आप कोई भी ऐसी बुक जिसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उसको ले लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्लैट की अगर आपको लेना है तो क्लैट की ले लीजिए, आपको SSC का है तो उसकी ले लीजिए, आपको CSAT की अगर लेना है तो CSAT की लीजिए, कोई भी आप उसमें कई राइटर आते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है फिर मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही है, कोई को प्रॉब्लम, ऊपर हमको एक मैसेज दिखाई दिया, नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है, आप एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।